दल बल के साथ बीती शाम लक्ष्मीनारायण मंदिर पहुंची एसडीएम शिवानी गर्ग ने मंदिर परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए किए जा रहे अतिक्रमण को जेसीबी से ढहा दिया। जिन दुकानदारों ने टीन शेड नुमा दुकानें यहां पर जमा रखी थी उन पर भी एसडीएम जमकर गर्जी। इस कार्रवाई के दौरान महंत बैजनाथ महाराज भी सब कुछ समेट कर यहाँ से गायब हो गए। उनके कमरे की जब तलाशी ली गई तो वहाँ से प्रशासन की टीम को चिलम और गांजा मिला जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जेसीबी ने निर्मित पक्के हिस्सों को जेसीबी से जमींदोज कर दिया है। आखिर रोक लगने के बाद भी प्रशासन ने पहले इस तरह की कार्रवाई को अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया, यह सवाल रह रहकर आम जनता के जहन में घूम रहा है। ये कार्रवाई पहले की जाती तो अवैध निर्माण शायद ही यहाँ पर परवान चढ़ पाता। बहरहाल इस मामले में देर से ही सही लेकिन प्रशासन नींद से तो जागा ही सही। मंदिर को लेकर प्रशासन अगली कार्रवाई क्या होगी अब यह सिविल कोर्ट में ही तय किया जाएगा। तो साधु महात्मा आए हैं हम मान रहे लेकिन ये सब चीजें पता बैंड होती है गांजा वांजा है ना, बोल नहीं मारे, नहीं बोल नहीं देंगे। आदेश हो चुका कोर्ट का, आपने फिर बना लिया। मुझे क्या पता दीदी, मैं तो रामायण पिटाल में आया हूँ, भारत में रामायण पिटाल में। ये बात लेकिन साफ है कि जमीन शासकीय है, जमीन मजदूर की है, एसडीएम इसके रजिस्ट्रार होते हैं। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन या किसी भी प्रॉपर्टी को बेचना इसके अंतर्गत नहीं आता है, जो ये कि ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन है। इसी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। इसके आगे की क्या कार्रवाई है? आगे की कार्रवाई ट्रस्ट एक्ट को भंग करने की कार्रवाई सिविल कोर्ट द्वारा की जाती है। रजिस्ट्रार के द्वारा एक प्रतिवेदन ऑलरेडी भेजा जा चुका है, आगे की कार्रवाई सिविल कोर्ट द्वारा की जाएगी।